तरह से देखते हैं ऐसे बयान? ये उनका बयान है, लोकतंत्र में ये बयान शोभनीय नहीं है। ऐसे ही घटना को लेकर के तमाम तरह से सुना और समझा इसको, देश भर में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और सबसे दुखद और भयावह बात यह है कि इस घटना की तरह अन्य हजारों घटनाएं देश में हो रही हैं, तो उन्होंने काफी दुख और भय व्यक्त किया इस घटना कि राष्ट्रपति महोदया ने बंगाल की घटना के साथ साथ पूरे देश के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार जहां जहां हो रहे हैं उस पे काबू पाने की बात उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एक दुखद घटना है और ऐसी घटनाओं को सरकार को संज्ञान लेकर के त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। इस पर कांग्रेस का स्टैंड ये है कि ये जो घटना है अब इसमें सीबीआई जांच कर रही है, तो अगर इसमें कोई भी कार्रवाई है नहीं, जब जांच एजेंसी कर रही है तो एजेंसी जांच एजेंसी की रिपोर्ट जब तक आ नहीं जाती है तब तक केंद्र कैसे दोषी है? जब ऑलरेडी जांच हो रही है सीबीआई से तो सीबीआई जांच रिपोर्ट आ जाए तो रिपोर्ट के आधार पे ही ना कहा जाएगा कि फला फला दोषी है। एक और अहम सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान पर बोलने का अधिकार रखते हैं, कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ जो घटना हुई इसके देश आवाज उठा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस घटना में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर जिन्ना की आत्मा आ गई है, वो लोग विभाजन, जिस तरह से जिन्ना ने देश का विभाजन किया, ये पार्टियां भी देश को विभाजित करना चाहती हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो बयान, अगर कोई घटना कहीं होती है तो हर नेता उस घटना की निंदा करता है और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात करता है। अगर इस तरह की बात इंसानियत नहीं है तो फिर उस पर तो कोई न कोई बात कहानी कही जाएगी कि ये इस घटना से दुखी नहीं है बल्कि ये इस घटना से अनजान बने हुए हैं। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को ऊपर तो बात कही जा सकती है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो नाथूराम गोडसे की आत्मा आ गई है। अब देखिए, नेताओं के व्यक्तिगत बयान है, ये पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के ऊपर छिटाकसी, हम इतना जानते हैं कहीं भी अब जिस तरह की घटना की चर्चा कर रहे हैं ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। घटना हो गई तो दोषी के खिलाफ जांच करके जो संविधान के दायरे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो प्राविधान किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हमारी पार्टी चाहती है। एक अहम सवाल है कि आप इस उपचुनाव में शामिल नहीं होंगे, आप क्या स्टैंड है 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर? देखिए, 10 सीट हम लोग जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं उस सीट को जीतने के लिए, जैसे 7 तारीख को हम मिर्जापुर की मझवा सीट पर हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, 8 तारीख को कटेहरी अम्बेडकर नगर कार्यक्रम है, 11 तारीख को करहल मैनपुरी कार्यक्रम है, 12 तारीख को अलीगढ़ में जो खैर विधानसभा है वहाँ कार्यक्रम है, संभल में कार्यक्रम 2-3 दिन में लग जाएगा। हम 10 विधानसभा में हमारे नेता काम कर रहे हैं और हर जगह सभी संगठन के जो साथी हैं, गठबंधन के जो साथी हैं, जिनका जहां संगठन है वो मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। विपक्ष ने इस पर भी कटाक्ष किया, उन्होंने कहा जैसे ये 400 पार का नारा दे रहे थे, 80 में 80 की बातें कर रहे थे, वही सिचुएशन अब यहाँ पर भी होने वाली है, 10 में 10 का ये वादा कर रहे हैं लेकिन मिलना इनको 1 या 2 से ऊपर नहीं है। देखिए, विपक्ष के लोग दुमुहिया सांप की तरह बोलते हैं, जैसे यही विपक्ष के लोग कहते हैं कि बाई इलेक्शन सत्ता का चुनाव होता है, कि सत्ता पक्ष जीतता है। वो क्यों कहते हैं? जनता की भावना होती है कि अभी 2.5 साल समय है, अगर हम सरकार के खिलाफ वोट देंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। जो विधायक चुना जाएगा वो विधायक यही कहेगा कि भाई हमारी सरकार नहीं है, हम कैसे विकास करें। तो जनता सब जानती है कि इस चुनाव से न सरकार गिरनी है न सरकार बननी है, तो जो सत्ता पक्ष में लोग हैं उनको वोट दे करके हम लोग अपने विकास की बात करें, ये विपक्ष भी जानता है, आम आदमी जानता है और सब लोग इस बात को कहते भी हैं। तो इस आधार पे उन्हीं के बयान से साफ होता है कि वो नहीं जीतेंगे। दूसरा, जो वो मुंगेरीलाल का सपना देख रहे हैं वो सपना दिवा स्वप्न है, और सूचना जारी होने दीजिए,
पता लग जाएगा कि वो लोग क्या कह रहे थे। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम ईवीएम चिल्लाते हैं कि ईवीएम से सब धोखा हो गया। लोकसभा चुनाव के बाद आप बताइए कभी किसी नेता का ईवीएम पर बयान आया? इधर इनके जितने भी बयान अगर 2 महीने का हम उठा के देख लें, जुलाई और अगस्त के, तो इस जुलाई अगस्त के इनके आंदोलन में कहीं ईवीएम आया? कभी ईवीएम नहीं आ रहा है। एकदम उत्साहित है कि ईवीएम सही है, ज्यों हारेंगे बाई इलेक्शन, आप देख लीजिए आज मैं कह रहा हूं, ज्यों ये बाई इलेक्शन हारेंगे तो यही कहेंगे कि ईवीएम से हरवा दिया।